नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों के पर्यटन स्थलों की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सहरसा जिले की। जिले के रूप में सहरसा की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई, जबकि 2 अक्टूबर 1972 में यह कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है। सहरसा में अगर पर्यटन की बात की जाए तो यह जिला अपने धार्मिक दर्शनीय स्थलों के लिए विख्यात है। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त काली मंदिर मत्स्यगंधा की। साल 1997 में तत्कालीन डीएम के प्रयास से एक बंजर जमीन पर मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना का निर्माण करवाया गया था। बाद में इसके साथ ही झील से सटे भूभाग पर रक्त काली मंदिर, 64 योगिनी धाम के साथ ही दर्जनों मंदिर का निर्माण कर इसे कोशी प्रमंडल के प्रमुख पर्यटक स्थल में शुमार कर दिया गया। यहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन इस मंदिर में पूजा और संध्या काल में घूमने आते हैं। इस मंदिर के अंदर एक स्थान पर 108 मूर्तियां स्थापित की गई हैं एवं इसमें से मां काली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मत्स्यगंधा जलाशय काफी सालों तक बंद रहा, परंतु 2017 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। साथ ही इसमें बोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है। यह जगह सहरसा के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। अब आगे हम बात करेंगे बाबा जी कुटी बनगांव की। 18वीं शताब्दी में बनगांव से उत्तर में स्थित गांव परसरमा में जन्मे लक्ष्मीनाथ गोसाई को आदर से बाबा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। बाबू जी साधु, योगी, दार्शनिक, कवि, लोक सेवक और चमत्कारिक शक्तियों के धारक थे। उनकी असाधारण शक्तियां, लोक सेवा और गाँव के लोगों की उन्नति के प्रयासों की वजह से लोग उन्हें ईश्वर का रूप मानते हैं और ईश्वर की तरह नित्य पूजा करते हैं। हाल के वर्षों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाबा जी के मंदिर में आशीष लेने जा पहुंचे थे। बाबा जी कुटी का प्रसिद्ध स्थान सहरसा जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहां विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके तहत लक्ष्मण नाथ गोसाई के अवशेषों को संरक्षित रखा गया है। यह सभी पंथ और धर्म के लोगों के लिए महान सम्मान का केंद्र है। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को बाबा जी कुटी प्रांगण में बाबा जी समारोह मनाया जाता है। इस दिन पूरे प्रांगण को खास तौर पर सजाया जाता है और बाबा जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। समारोह का मुख्य आकर्षण इसमें होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, गुजरे सालों में मिथिला के शीर्ष कलाकार समारोह में शिरकत करने आते हैं। अब बात करते हैं चंडी स्थान बिराटपुर की। जिले के बिराटपुर गाँव में अवस्थित माँ चंडी का स्थान इस इलाके का धरोहर है। कहा जाता है यहाँ महाभारत काल के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी माँ की पूजा अर्चना की थी। यहाँ पुरातत्व विभाग को खुदाई में हजारों वर्ष पुराना अवशेष मिल चुका है। कहा जाता है कि मंदिर हजारों वर्ष पुरानी है और मां चंडी यहां स्वयं अंकुरित हुई थी। इस जगह पर एक आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है कि मां की पूजा अर्चना के दौरान चढ़ाया जाने वाला जल कहा जाता है, इसकी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। कई बार इसकी जानकारी लेने के लिए विशेषज्ञ अभियंताओं के दल को मंगवाया गया, परंतु इसका पता नहीं चल पाया। अगला है सूर्य मंदिर कंदाहा। जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र के कंदाहा गांव में भगवान सूर्य की अति प्राचीन मंदिर है। देश के 9 सूर्य मंदिरों में सूर्य मंदिर कंदाहा भी काले पत्थर की कलात्मक और दुर्लभ सूर्य की मूर्ति के लिए चर्चित है। यहां 7 घोड़े रथ पर सवार सूर्य भगवान की शानदार मूर्ति एक ग्रेनाइट स्लैब पर बनाई गई है। पवित्र मंदिर के द्वार पर शिलालेख जो इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हैं पुष्टि करते हैं कि 14वीं सदी में मिथिला पर शासन करने वाले कर्नाटक वंश के राजा नरसिंह देव की अवधि के दौरान इस सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में ही स्थित एक कुआं है जिसकी पानी की कई विशेषताएं बताई जाती है। मान्यता है कि कुआं के पानी से स्नान करने से कुष्ठ रोगियों को काफी लाभदायक होता है। यहां पर खासकर छठ और कार्तिक पूर्णिमा दिन मंदिर के कुआं के पानी से स्नान करने के लिए भीड़ लगी रहती है। अगला है उग्रतारा स्थान। सहरसा जिले में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। यह प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहां गिरा था। यह स्थान तंत्र साधन के लिए विख्यात है। यही उद्भव विद्वान मंडन मित्र का जन्म हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण 1735 में रानी पद्मावती ने कराया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां वर्ष भर पहुंचते रहते हैं। अन्य गंतव्यों में आप देवन वन मंदिर, जिसमें स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह 1009 में महाराजा शलि वाहन द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर मंझौल में स्थित है। या फिर आप संत बाबा कारू खिरहरी मंदिर, जो कि महिषी प्रखंड कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर पूर्वी कोसी
तटबंध के नदी के किनारे स्थित है, वहां भी जा सकते हैं। आज हमने आपको बिहार के पर्यटन स्थलों में सहरसा जिले की महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी देने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के पर्यटन स्थलों की जानकारी देंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।